Good morning, students. In the previous lecture, we completed our first chapter, chemical reaction and the equation. And this chapter, in the this lecture, we are going to start our second chapter, acid, base and salts. जैसा कि आप देख सकते हो, इस chapter का नाम है acid, base and salt. In the sense, हम इस chapter के अंदर एसिड के बारे में बात करेंगे, बेस के बारे में बात करेंगे और कुछ एक सॉल्ट्स जो हम रेगुलर वे में यूज करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, अब कुछ एक पोर्शन आपकी टेक्स्ट बुक से निकाल दिया गया है जो कि एसिड और बेस को समझने के लिए बहुत ही जरूरी था. तो आज हम सबसे पहले उस टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक से निकाल दिए गए, so that you can understand whatever has been given in your textbook in a better way. So let's start with some theories which can prove whether we have acid or base. First is Robert Boyle's बेसिक प्रॉपर्टीज. रॉबर्ट बॉयल्स बेसिक प्रॉपर्टीज फॉर एसिड. ओके, रॉबर्ट बॉयल ने एसिड के लिए क्या कहा था, इनमें से कुछ एक आपकी टेक्स्ट बुक में दिए थे. चलो, रॉबर्ट बॉयल ने कहा था कि जो कोई भी सब्सटेंस टेस्ट में सोर है वो सारे एसिड है. सोर टेस्ट का मतलब खट्टे, जिनका टेस्ट खट्टा है वो सारे एसिड है. फिर उसने कहा था कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है. ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट्स टू रेड. रेड इज द कलर ऑफ एसिड, रिमेंबर दैट. रेड इज द कलर ऑफ एसिड. अब लिटमस पेपर क्या है, ये एक न्यूट्रल इंडिकेटर. न्यूट्रल इंडिकेटर का मतलब होता है कि अगर उसके ऊपर एसिड गिरेगा तो वो कलर चेंज दिखाएगा, अगर उसके ऊपर बेस गिरेगा तो वो कोई अलग कलर चेंज दिखाएगा. जैसे कि यहां पे मैंने ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डाला तो वो हो गया रेड बिकॉज ऑफ द एसिड. फिर तीसरी प्रॉपर्टी उसने कही थी कि एसिड जब कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. व्हेन एवर एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल they release hydrogen gas. Whenever acid reacts with the metal, they release hydrogen gas. वैसे ही उसने कहा था कि जब कभी भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें सॉल्ट एंड वॉटर देता है. When acid reacts with the base, they give us salt and water. So, ये सारी properties हमें Robert Boyle ने दी थी किसके लिए, acid के लिए. But ये किसी भी property से हम proper उसका chemistry नहीं समझ सकते कि वो क्यों acid है. ठीक है, वैसे ही उसने कुछ एक properties base के लिए भी दी थी. उसने क्या कहा था, तो सबसे पहले उसने कहा था बेस आर बीटर इन टेस्ट. बेस आर बीटर इन टेस्ट, उसका मतलब है वो कड़वे होते हैं. जब कभी भी हम किसी बेस को गलती से अपने मुंह में लगा लेते हैं तो वो बीटर होते हैं इन टेस्ट. वैसे ही वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं.
बेज कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इंटू ब्लू, उसका मतलब है बेज का कलर होता है ब्लू, बेज का कलर होता है ब्लू। बेज मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही जब बेज एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो सॉल्ट एंड वाटर रिलीज करता है। उसके अलावा एक ज्यादा प्रॉपर्टी बेज के लिए उसने दी थी, बेज आर स्टिकी इन नेचर, बेज आर स्टिकी इन नेचर, स्टिकी चिकने होते, बहुत ही स्टिकी होते हैं। सो दैट वॉज द प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल, कन्वेंशन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद आर्हेनियस, आर्हेनियस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस, व्हाट इज इट? आर्हेनियस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस। आप इसके बारे में 11th में बहुत ही डीप में स्टडी करोगे, अभी हम बेसिक बात करेंगे, ठीक है? चलो, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या था एसिड के लिए? आर्हेनियस ने क्या कहा था एसिड के लिए? तो आर्हेनियस ने एसिड के लिए कहा था कि जो कोई भी चीज पानी के अंदर H प्लस रिलीज करती है वो एसिड कही जाती है। इन द सेंस इफ अ सब्सटेंस इज इन द एक्यूएस सॉल्यूशन, इफ अ सब्सटेंस इज इन द एक्यूएस सॉल्यूशन, पानी के अंदर बनाया हुआ सॉल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल चलो वो सब्सटेंस है एच ए, पानी के अंदर है, दैट्स वाई ए क्यू क्या रिलीज करता है एच प्लस, देन वो सब्सटेंस एसिड है। व्हाट आर्हेनियस सेड, इफ अ सब्सटेंस रिलीज H प्लस इन द एक्यूएस सॉल्यूशन देन दैट सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल चलो एक उसका एग्जाम्पल लेते हैं HCl, तो वो क्या रिलीज करेगा H प्लस एंड Cl माइनस, वो HCl है जो कि पानी के अंदर H प्लस रिलीज करता है, दैट्स वाई HCl बाय नेचर एसिडिक है। वैसे ही दूसरा एक एसिड है HNO3, वो भी पानी के अंदर H प्लस रिलीज करता है तो वो भी एसिडिक हुआ। वैसे ही H2SO4, H2SO4 भी पानी के अंदर H प्लस रिलीज करेगा दो, दैट्स वाई H2SO4 भी एसिडिक है इन नेचर। वैसे ही CH3COOH एसिडिक एसिड, जिसके बारे में हम फोर्थ चैप्टर में पढ़े, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी H प्लस रिलीज करता है तो वो भी बाय नेचर एसिडिक हुआ। ओके, फिर हम बात करते हैं बेस के बारे में। आर्हेनियस ने बेस के लिए क्या कहा? सो अगेन इन द एक्यूएस सॉल्यूशन, इन द एक्यूएस सॉल्यूशन व्हेन सब्सटेंस रिलीजेस ओएच माइनस हाइड्रोक्साइड आयन then that substance is basic in nature, in the sense MOH, वो भी aqueous होना चाहिए, क्या release करेगा M plus OH minus, जो कोई भी चीज OH minus release करती है वो by nature basic होती है in the aqueous solution।
A substance which release OH minus in the sense hydroxide ion in the aqueous solution. Then that substance is known as a base. And the property of that substance is basic in nature. उसके कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि NaOH. NaOH पानी के अंदर OH माइनस रिलीज करता है, दैट्स वाई वो बाय नेचर बेसिक है. वैसे ही KOH है, वो भी पानी के अंदर OH माइनस रिलीज करता है, तो वो भी बाय नेचर बेसिक हुआ. क्लियर? अब उसके कुछ एक लिमिटेशंस है. लिमिटेशंस का मतलब है इसमें कुछ एक ड्रॉबैक्स है. What are the drawbacks of the Arrhenius theory? The first drawback of Arrhenius theory is it applied to only aqueous solution. Arrhenius theory हम only कहां पे apply कर सकते हैं? Aqueous solution में ही apply कर सकते हैं. अगर कोई सब्सटेंस उसके सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है, तो वहां पे हम आर्हेनियस थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते. ओनली व्हेन सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन द वाटर वी कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर थियरी, अदरवाइज वी कैन नॉट अप्लाई दिस थियरी. सो दैट विल बी अ वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द आर्हेनियस थियरी. द सेकंड ड्रॉबैक इज NH3 इज बेसिक. ओके, आर्हेनियस ने क्या कहा था कि भाई कोई भी चीज अगर पानी के अंदर OH माइनस रिलीज करती है तो वो बाय नेचर बेसिक बेस कही जाएगी, लेकिन NH3 के पास तो कोई भी OH है ही नहीं, उसके पास हाइड्रोक्साइड ही नहीं है, तो वो बाय नेचर बेसिक कैसे हुआ? आर्हेनियस वो प्रूव नहीं कर सकता. वैसे ही BF3 एसिड है, लेकिन उसके पास कोई भी H+ नहीं है, तो वो आर्हेनियस थियरी से प्रूव नहीं हो सकता कि BF3 क्यों एसिड है. एंड द लास्ट ड्रॉबैक ऑफ द आर्हेनियस थियरी इज H+ इज हाईली अनस्टेबल. H+ इज हाईली अनस्टेबल, और उसने हर जगह पे क्या रिलीज किया है? H+, जो कि गलत बात है. मैं आपको बताता हूं क्यों गलत बात है. अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एटम का साइज होता है 1×10⁻¹⁰ मीटर, इन द सेंस 1/10⁻¹⁰. उतना छोटा हाइड्रोजन का साइज होता, बहुत ही छोटा. और जब आप उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो, इन द सेंस H+ बनाते हो, तो उसका साइज हो जाता है 1×10⁻¹⁵ मीटर. उससे लाख गुना ज्यादा छोटा हो जाता है H+, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन है. अब हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है. अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उसमें बचेगा सिर्फ एक प्रोटॉन, और उसकी साइज हो जाएगी 1×10⁻¹⁵ मीटर, जो कि बहुत ही स्मॉल है. वो किसी भी जगह पे घुस, प्लस हाईली रिएक्टिव, किसी के साथ भी इजीली वो रिएक्ट कर सकता है. और आर्हेनियस को ये सारी चीजें पता नहीं थी, दैट्स व्हाई उसने हर जगह पे H+ रिलीज किया. ओरिजिनली क्या होता है, तो पानी के अंदर H+ एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो कि हमें हाइड्रोनियम आयन देगा H3O+. ये चीज कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूं. चलो, ये जो छोटे राउंड्स मैंने बनाए हैं वो है हाइड्रोजन, और ये बीच में है ऑक्सीजन.
ठीक है, ये हो गया H2O। चार H2O के बीच में जो जगह बनती है, वॉइड बनता है, वहां पे H प्लस फंसेगा। इन द सेंस चार H2O के बीच में H प्लस फंसेगा तो बनाएगा क्या? H9O4 प्लस। उसको मैंने सिंप्लीफाई करके आपको इस मैनर में दिखाया, लेकिन ऐसी कोई भी एक्सप्लेनेशन आर्हेनियस ने नहीं दी थी। ओरिजिनली उसको क्या करना था कि H प्लस की जगह H3O प्लस रिलीज करना था, जो उसने गलती की। That's why आर्हेनियस के पास टोटल चार ड्रॉबैक्स है, चार अलग अलग उसके प्रॉब्लम्स है, जो कि हम इस थियरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्लियर? सो जैसे कि हर कोई सॉफ्टवेयर का अपडेट होता है, प्रीवियस चैप्टर्स जैसे कि हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सीखा, तो वहां पे कैसे पहले डोबेनियर के ट्रायड्स आए थे, उसके बाद न्यूलैंड के ऑक्टेव का रूल आया, फिर मेंडेलिव का टेबल आया, उसके बाद हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला। वैसे ही आर्हेनियस की थियरी के बाद उसका अपडेटेड वर्जन आया, ब्रॉनस्टेड एंड लोरी थियरी। इस थियरी को प्रोटॉन थियरी भी कहा जाता है, प्रोटॉन एक्सचेंज थियरी, ब्रॉनस्टेड लोरी थियरी और प्रोटॉन एक्सचेंज थियरी। उसकी जो कोई भी लिमिटेशंस थी, ब्रॉनस्टेड एंड लोरी नाम के साइंटिस्ट, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट है, उन्होंने इंडिपेंडेंटली ये थियरी बनाई थी, इसलिए दोनों की थियरी कही जाती है। सारी लिमिटेशंस उनकी निकाल दी गई, सिर्फ एक रह गई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिड के बारे में। एसिड के लिए उसने क्या चेंज किया? उसने कहा व्हेन अ सब्सटेंस रिलीजेस प्रोटॉन, when a substance releases proton, that substance will be known as a acid. When a substance releases proton, proton का मतलब होता है H plus। मैंने अभी अभी आपको बताया कि H plus के अंदर only and only one proton होगा, कोई electron नहीं होगा या कोई neutron नहीं होगा। So H plus is my proton। When a substance releases hydrogen ion or proton, then that substance is known as an acid। तो भाई आर्हेनियस ने भी वही कहा था। तो आर्हेनियस और ब्रॉनस्टेड लोरी में डिफरेंस क्या है? आर्हेनियस ने aqueous solution के लिए कहा था, whereas ब्रॉनस्टेड लोरी ने open for all, किसी भी state में हो substance। क्या कहा उसने? अगर वो H प्लस रिलीज करता है तो वो एसिड है, प्रोटॉन रिलीज करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो एसिड है। इन द सेंस डोनेट्स प्रोटॉन। चलो उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, समझते हैं इस रिएक्शन को। हमारे पास है एच ए एसिड और वैसे ही एच टू हो है, उसके अंदर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमने बात की है फोर्थ चैप्टर में। चलो क्या होता है, बहुत ही सिंपल चीज है। यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ए प्लस अपने पास ले लेगा, सो एच प्लस रिलीज होगा और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एच ए प्लस ने ले लिए तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, तो उससे बना क्या? ऑक्सीजन विथ थ्री हाइड्रोजन एंड वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। एक हाइड्रोजन है
उसके साथ उसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। कैसा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, उसका मतलब है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ही है। इस बॉन्ड के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन किसके है? ऑक्सीजन के। दैट्स व्हाई एच प्लस का पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर चला गया? ऑक्सीजन के ऊपर। सो ये बना H3O+, क्योंकि H प्लस से ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। ओके और A ने इलेक्ट्रॉन ले लिया था, दैट्स व्हाई वो बना A-। क्लियर? चलो बात करते हैं ऐसे कोई एसिड के बारे में ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। यहां पे ही था HCl, तो चलो वापस से HCl ही लेते हैं। HCl जब H2O से रिलीज रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? Cl इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H को दे देगा। दैट्स व्हाई क्या बनेगा? H3O+ एंड Cl-। ओके सो HCl ने H+ H2O को डोनेट किया। अब देखो पहला लिमिटेशन था एक्यूएस सॉल्यूशन, तो उसने ओपन फॉर ऑल सारे स्टेट के लिए ये थियरी दी है, तो एक्यूएस सॉल्यूशन वाला चीज तो यहां से निकल गया ऑलरेडी। फिर उसने कहा था H+ हाईली अनस्टेबल है, जो कि आरहेनियस प्रूव नहीं कर सकता। देखो यहां पे इसने H+ नहीं H3O+ रिलीज किया है, सो उसकी फोर्थ लिमिटेशन भी निकल गई। अब बचे हैं NH3 एंड BF3। ठीक है चलो ये हुआ एसिड। अब इसके अंदर एक और चीज है जो कि मैं एसिड और बेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलो अब बात करते हैं बेस के बारे में। जो सब्सटेंस H+ यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो सब्सटेंस बेस कहा जाएगा। जो सब्सटेंस H+ एक्सेप्ट करेगा वो बेस कहा जाएगा। इन द सेंस सपोज हमारे पास है NH3, उसकी मैंने पानी के साथ रिएक्शन करवाई तो उसने बनाया NH4+ एंड OH-। देखो NH3 ने एक H+ एक्सेप्ट किया, NH3 एक्सेप्ट्स द H+, दैट्स व्हाई दिस इज बेस। NH3 इज बेस। A substance which accepts the proton during the reaction, that substance is known as a basic substance. जो H+ accept करेगा, यहां पे OH से बात हुई थी, यहां पे दोनों जगह पे H+ से बात हो गई। जो H+ को accept करेगा वो कहा जाएगा base। हो गया प्रूफ। NH3 उसने H+ accept किया, हो गया base। So second limitation की उसकी निकल गई। चलो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि चीजें हम अच्छे से समझ सके। ये है NH3 और ये है H2O। यहां पे उल्टा होगा, ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन के बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, तो यहां से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन को देगा, उसकी वजह से क्या होगा? बनेगा NH4+, जहां पे एक बॉन्ड होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड OH- रिलीज होगा। अब देखो एसिड और बेस तो हम यहां पे भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने H+ डोनेट किया तो ये हो गया एसिड, और इसने H+ एक्सेप्ट किया तो ये हो गया बेस। वैसे यहां पे इसने H+ डोनेट किया तो ये हो गया बेस, और इसने एक्सेप्ट किया तो ये हो गया एसिड। अब पानी देखो, पानी के पास ड्यूअल नेचर, वो एज ए बेस भी काम कर सकता है, एज ए एसिड भी काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास H+ एक्सेप्ट करने की भी प्रॉपर्टी है और H+ डोनेट करने की भी प्रॉपर्टी।
वो डिपेंड करता है आपको आपने पानी को किसके साथ रखा। इफ यू हैव एडेड वॉटर टू द बेस इट विल एक्ट एज एसिड एंड इफ यू एड वॉटर टू द एसिड इट विल एक्ट एज ए बेस। एसिड से जो प्रोडक्ट मिला वो होगा कॉन्जुगेटेड बेस, ये याद रखना है आपको। एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस और बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड, बेस से कॉन्जुगेटेड एसिड एंड एसिड से कॉन्जुगेटेड बेस, प्रोडक्ट की बात हो रही। वैसे ही यहां पे बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड और एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस। क्लियर? ओके। इसकी भी एक लिमिटेशन है, BF3 एसिड है वो ब्रॉन्स्टेड लोरी भी प्रूव कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि BF3 के पास प्रोटॉन H+ नहीं, तो उसकी डोनेशन और एक्सेप्टेंस की बात ही नहीं आती। That's why BF3 के बारे में भी ब्रॉन्स्टेड लोरी अच्छे से हमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो उसके लिए हमारी लास्ट थियरी और सबसे इंपॉर्टेंट लुईस एसिड बेस थियोरी, लुईस एसिड बेस थियोरी। इसके अंदर क्या है? बहुत ही सिंपल है, एसिड के बारे में बात करते हैं। चलो, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? प्रोटॉन ऑलवेज बिकम्स पॉजिटिव। हमें यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करनी है। कॉन्सेप्ट किसके बेस पे है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेस पे है। सो यहां पे अगर H+ प्रोटॉन रिलीज करता है तो वो एसिड है, तो अगर वो प्रोटॉन रिलीज करता है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इन द सेंस एसिड किसे कहा जाएगा? अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन की पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एसिड कहा जाएगा। BF3 की बात करते हैं। चलो, BF3 वो NH3 से रिएक्ट करता है तो वो BF3.NH3 बनाता है। कैसे? सो यहां पे BF3 है प्लस यहां पे NH3 है। क्या हुआ? तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके बोरॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो उसने बनाया BF3 और नाइट्रोजन के साथ अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो NH3 हो गया बेस, और BF3 ने लोन पेयर एक्सेप्ट किया तो वो हो गया एसिड। तो जो कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड कहा जाएगा, और जो कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो लुईस बेस कहा जाएगा। इन द सेंस बेस के लिए हम क्या कह सकते हैं? तो अ सब्सटेंस विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो, तो एसिड कौन सी चीजें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती, कौन सी चीजें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है? तो अगर लुईस एसिड के बारे में बात करें तो सारे पॉजिटिव चार्ज वाले कंपाउंड, जो कोई भी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो लुईस एसिड हो गए। जैसे कि देखो, H3O+ पॉजिटिव चार्ज है तो है ना एसिड, NH4+ पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं एसिड। जो कोई भी सब्सटेंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो एसिड होंगे। जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन कम है, जैसे कि BF3 फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच के रखता है, उसकी वजह से बोरॉन पार्शियली पॉजिटिव बनता है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑन द बोरॉन, दैट्स व्हाई बोरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से वो लुईस एसिड।
अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो वो एज ए लुईस एसिड काम करेगा, उससे टोटली ऑपोजिट बेस के लिए जो सब्सटेंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि ए माइनस है कि नहीं बेस, ओ एच माइनस है कि नहीं बेस, या फिर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है तो वो सब्सटेंस होगा बेसिक इन नेचर। तो हमने इस लेक्चर में हमारे एसिड और बेस को प्रूव किया कि कौन सी चीजें एज ए एसिड वर्क करेगी, कौन सी चीजें एज ए बेस वर्क करेगी। सो अगर आपके चीज ये सारी चीजें आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर है तब जाके आप इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस लेक्चर इज टोटली डोनेटेड टू द थियरीज ऑफ एसिड एंड बेस गिवन बाय आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, रॉबर्ट बॉयल एंड लुईस। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर, बट बिफोर वी स्टार्ट अवर चैप्टर प्लीज रिफर टू दिस लेक्चर एंड मेक अ नोट ऑफ द आर्हेनियस थियरी, ब्रॉन्स्टेड लोरी थियरी, लुईस थियरी एंड द रॉबर्ट बॉयल थियरी एज पर आई शोन यू इन द बोर्ड। सो दैट वॉज ऑल फॉर द टूडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।